So let's start for our today's session. हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे द सेकेंड चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री क्लास नाइन्ट इज इट इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो ये जो वीडियो है ये खाली इंट्रोडक्टरी वीडियो है जिसमें आपको पूरे चैप्टर का डिस्क्रिप्शन मिलेगा बेसिकली आई एम अबाउट टू टेल यू दैट वट वी विल स्टडी इन द चैप्टर लाइक इन द फर्स्ट चैप्टर वी स्टडी अबाउट वॉट इज मैटर लाइक वी सी दैट इट इज अ समथिंग दैट एफ माज एंड ऑक्यूपाइज पे सिमिलरली नाउ वी विल स्टडी दैट मैटर इज ऑफ टू टाइप प्योर और इमप्योर तो प्योर किसे कहते हैं इमप्योर कैसे किसे, किसे कहते हैं ये हम समझेंगे हम अपनी डेली लाइफ में भी प्योर इम्प्योर शब्दों का बहुत यूज करते हैं बट ये जो डेफिनेशन होगी उससे थोड़ा अलग होगी फिर वी विल फर्दर बाई फर्केट वट आर इम्प्योर सब्सटेंसेस की हाउ मेनी कैटेगरीज ऑफ इम्प्योर सब्सेंसेज आर देयर अगर हमने कहा कोई सब्सटेंस इम्प्योर है तो उसकी कैटेगरी क्या क्या होती है लाइक व्हाट इज अ मिक्सचर व्हाट इज अ सस्पेंशन एंड व्हाट इज अ कोलाइडल सॉल्यूशन तो हम समझेंगे कि इम्प्योर सब्सटेंस तीन प्रकार के होते हैं मिक्सचर सस्पेंशन एंड कोलाइडल सॉल्यूशन जस्ट टू प्रोवाइड यू एन एग्जाम्पल तो इफ यू सी दिस डायग्राम दिस इज अ सॉल्यूशन ओके सॉरी यहाँ पे ना एक गड़बड़ है सॉरी यहाँ पे यहाँ पे जो टर्म लिखा है मिक्सचर ये मिक्सचर तीन टाइप का होता है बेटा ठीक है दिस इज सस्पेंशन कोलाइडल सोल्यूशन और जो तीसरा है यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे लिखने में गलत हुआ है दैट इज कॉल्ड एज बेटा सोल्यूशन तो तीन प्रकार के मिक्सचर देखे जाते हैं बेटा सस्पेंशन कोलाइडल सोल्यूशन और तीसरा सिंपल सॉल्यूशन या कोलाइडल सोल्यूशन को कोलाइड्स भी कहते हैं मिक्सर यहाँ पर दो कैटेगरी भी हैं एक हम कहते हैं होमोजिनस मिक्सर और एक हम कहते हैं हाइड्रोजीनस मिक्सर हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ देखेंगे दिस डाइग्राम रिप्रेजेंट अ सोलूशन कैसे नॉर्मल भाषा में कहूं तो अभी इसमें सॉल्ट ना पूरी तरीके से घुला नहीं है बेसिकली दिस इज अ सोल्ट सॉल्यूशन और आपको पता है कि सॉल्ट पूरी तरीके से पानी में घुस जाता है तो आप घुल जाता है तो आप देखेंगे कि ये क्या है ट्रांसपेरेंट है बट इसी की जगह अगर आप इस डायग्राम को देखते हैं तो इट इज़ अ बिट ट्रांसलूसेंट और ओपेक इन नेचर ठीक है तो ऐसे देखिए खाली अपेरेंस के हिसाब से भी अलग अलग हो सकता है जैसे आपने कोहरा लगा हुआ देखा होगा तो कोहरा इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉलोइडल सोल्यूशन मिल्क एक कोलॉडल सोल्यूशन का एग्जाम्पल है तो हम यहाँ पे ये यह पढ़ेंगे कि इन सॉल्यूशंस की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है जैसे हम कहेंगे कि क्लोइड की प्रॉपर्टी क्या है सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी क्या है और सस्पेंशन की प्रॉपर्टी क्या है तो इस बेसिस पे हम तीनों का डिफरेंस पढ़ेंगे ओके okay? फिर जब हम प्योर सब्सटेंस इसको हम अभी लास्ट में डिस्कस करते हैं फिर हम देखते हैं कि मिक्सचर्स को सेपरेट करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं सपोज़ इंक पानी में घुल गई है और आप इंक में से वाटर में से इंक को सेपरेट करना चाहते हैं तो उसके लिए एक बहुत कॉमन मेथड है दैट इज कॉल्ड एज एवेपरेशन अगर ऐसे भी नहीं समझ पाते तो सबसे कॉमनली इवेपरेशन हमारे देश में या किसी भी कंट्री में ये होता है ऑप्टेनिंग ऑफ सॉल्ट वाटर ऑप्टेनिंग ऑफ सॉल्ट फ्रॉम द सी वाटर आपको पता है जो सी वाटर होता है वो खारा है इट इज़ सॉल्ट इन नेचर तो उसमें से हम सॉल्ट को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो बेसिकली दैट प्रोसेस इज इवेपरेशन तो हम देखेंगे एवेपरेशन कैसे काम करता है वी हैव डिस्कस अबाउट दैट इन द चैप्टर फर्स्ट ऑल्सो नाउ सेकेंड इज सेपरेटिंग फनल अब सपोज करो कभी दो इमिसिबल लिक्विड्स मिक्स हो गए सपोज गलती से आपने तेल और पानी को मिक्स कर दिया जब तेल और पानी मिक्स हो गए तो अब आप उन दोनों को सेपरेट कैसे करेंगे तो उनको सेपरेट करने का जो तरीका होता है दैट इज कॉल्ड ए सेपरेटिंग फनल तो हम इसको भी डिस्कस करेंगे देन देर इज क्रोमेटोग्राफी द पेन विच यू यूज इज ऑफ ब्लू कलर राइट लेट्स से चलो इट इज ऑफ ब्लैक कलर तो इज इट एक्चुअली ब्लैक और इट इज़ ब्लैक ड्यू टू द मिक्सचर ऑफ फ्यू कलर्स तो हमें ये चेक करना रहता है कि क्या ये एक्चुअल में ब्लैक है या कुछ कलर्स के मिक्सचर के कारण ये ब्लैक है ठीक है।, है तो अब अगर आप इसको क्रोमेटोग्राफी एक ऐसा मेथड है बेटा क्रोमेटोग्राफी में क्रोम शब्द आता है क्रोम का मतलब होता है कलर जब आप किसी पिगमेंट में देखना चाहते हैं कि इसमें कौन कौन से कलर्स हैं जैसे ग्रीन कलर है सपोज करो हमने कहा ग्रीन कितनों से मिलके बना है तो जब हम उसको सेपरेट करना चाहेंगे तो जो उसकी जो देखने को देखने है क्रोमेटोग्राफी इस टेक्निक को क्रोमेटोग्राफी कहा जाता है ओके okay? तो पिगमेंट्स को सेपरेट करने का जो मेथड है दैट इज कॉल्ड एज क्रोमेटोग्राफी फिर एक आता है सेंट्रुफिकेशन तो ये जो आपको बॉक्स दिख रहा है ये और कुछ नहीं है दिस इज क्रीम एंड दिस इज मिल्क अगर आपको मिल्क में से क्रीम को सेपरेट करना होता है जो नॉर्मली हमारे घरों में किया भी जाता है तो जो इसके पीछे का प्रिंसिपल है दैट इज सेंट्रुफिकेशन और इवन अगर आप वॉशिंग मशीन यूज करते हैं तो वॉशिंग मशीन में आप देखेंगे नीचे एक मोटर लगा होता है तो और आप उसी में कपड़ों को स्पिन करते हैं घुमाते हैं तो अगेन दैट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्युगेशन डेंसिटी के बेसिस में अगर आपको सेपरेट करने हो सब्सटेंसेस को द टेक्निक इज कॉल्ड एज सेंट्रीफ्युगेशन फिर यह कहते हैं सब्लिमेशन सब्लिमेशन आपको पता है कि सॉलिड जब डायरेक्टली किस में कन्वर्ट होता है गैस में या गैस सॉलिड में कन्वर्ट होती है दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज सब्लिमेशन तो इसका ये जो एग्जाम्पल दिया है ये कैम्फर का है बेटा कैम्फर को हीट किया तो आप देखेंगे कैम्फर सॉलिड है अगर आप उसको हीट करेंगे डायरेक्टली वो गैस में कन्वर्ट होगा फनल को अगर हम ऊपर से ढक देते तो आपको छोटे छोटे यहाँ पे ये टुकड़े जैसे दिख रहे हैं तो ये कपूर के ही टुकड़े हैं कैम्फर इन हिंदी इज कपूर ठीक है तो अगेन ये दिखाता है कि सब्लिमेशन क्या है ठीक है अब यहाँ पे हम क्यों पढ़ रहे हैं बेटा सब्लिमेशन अगर हमारे पास एक मिक्सचर है जैसे हमने क्रोमेटोग्राफी में कहा कि कलर है हमें देखना है कलर कितने कलर से मिलकर है कितने मिक्सचर हैं इसमें सिमिलरली यहाँ पे देखो दो चीज़ प्रेजेंट थी क्रीम और मिल्क सिमिलरली ये भी एक मिक्सचर है सपोज करो आपने कपूर को सॉल्ट के साथ मिक्स कर दिया अब आप दोनों को सेपरेट करना चाहते हैं द मैथड विच विच यू विल यूज दैट इज सब्लीशन ओके देन देर इज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ये सीधा डायग्राम एक्चुअली मैंने यहाँ पे एयर का दे दिया है बट फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन सपोज करो दो लिक्विड हैं मिक्स हो गए हैं सपोज करो एल्कोहल में वाटर मिक्स है तो आप इसको किसी भी तरीके से सेपरेट नहीं कर सकते नॉर्मली तो इसको जो मिसिबल लिक्विड्स हैं अगर आपको उनको सेपरेट करना है तो उसके लिए जो मेथड यूज़ किया जाता है दैट इज कॉल्ड एज डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड ठीक है वन ऑफ द वेरी कॉमन एग्जाम्पल ऑफ यूज ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज़ अभी आप देखेंगे कोविड में ऑक्सीजन की काफ़ी डिमांड है ऑक्सीजन के कंटेनर सप्लाई हो रहे हैं फॉरन से भी एड आ रही है तो है क्या ये लिक्विड ऑक्सीजन ठीक है तो ये जो आपके सामने डायग्राम है ये डायग्राम ये दिखाता है कि एयर में से आप अलग अलग गैसेस को कैसे सेपरेट कर सकते हैं आप एयर में से कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन इन सबको सेपरेट कैसे कर सकते हैं एंड द मेथड यूज्ड फॉर दिस दिस एंटायर सेटअप बेसिकली रिप्रेजेंट्स द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ओके तो मिसिबल लिक्विड्स को अगर आपको सेपरेट करना है या मिसिबल गैसेस को सेपरेट करना है तो आप ये मेथड यूज करेंगे देन देर इज अनदर मैथड इज कॉल्ड इज क्रिस्टलाइजेशन अब क्रिस्टलाइजेशन में आप देखें यहाँ आप पे आपको छोटे छोटे टुकड़े दिख रहे हैं टुकड़े मतलब क्रिस्टल्स दिख रहे हैं पीसेस दिख रहे हैं तो क्रिस्टलाइजेशन क्या है बेटा क्रिस्टलाइजेशन एक ऐसा मेथड है जिसमें आप क्या कर रहे हैं बेसिकली जैसे सपोज करो आपने सॉल्ट को सी वाटर में से सेपरेट कर दिया यू हैव सेपरेटेड सॉल्ट फ्रॉम द सी वाटर ठीक है अब वो सॉल्ट प्योर तो होगा नहीं मीन्स यू कॉन्ट यूज़ इट इमीडिएटली उसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ होंगी सॉयल के पार्टिकल्स होंगे तो उनको कैसे सेपरेट करेंगे तो उनको सेपरेट करने का जो तरीका है दैट इज क्रिस्टलाइजेशन ओके फिर हम पढ़ेंगे केमिकल और फिजिकल चेंज के बारे में जैसे फॉर एग्जांपल आइस है आइस को आपने धूप में रखा इट कन्वर्ट इनटू लिक्विड वाटर में कन्वर्ट हो गया वाटर को फिर से फ्रीज कर देंगे तो वो आइस में कन्वर्ट हो गया तो जहाँ पे ये जो स्टेट्स हैं वो इंटर कन्वर्टेबल हैं दैट इज कॉल्ड एज फिजिकल चेंज केमिकल चेंज में कन्वर्ट नहीं कर सकते जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखिए लकड़ी को जला रहे हैं जब लकड़ी पूरी जल जाएगी तो आपको पता है कि इसमें क्या बचेगा राख बचेगी दैट इज कॉल्ड एज ऐश बट यहाँ भी देखिए लकड़ी को काट रहे हैं अगर ये लकड़ी को दो पीसेस में भी काट देते हैं तो लकड़ी की प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं आ रहा है वो पहले भी सॉलेट है अभी भी सॉलेट है पर जब अब आपने यहाँ पे इसको बर्न कर दिया तो अब ये किस में बन गया एक पाउडर्ड फॉर्म ऐश में आ गया है अब आप ऐश से वापस वुड नहीं जनरेट कर सकते तो ये हम पढ़ेंगे कि केमिकल और फिजिकल चेंज क्या होते हैं और इनके डेली लाइफ एग्जाम्पल्स देखेंगे फिर अ वेरी कॉमन एग्जाम्पल ऑफ दिस इज़ द वाटर सप्लाई टू एन आवर होम ये डायग्राम आपके खाली वाटर सप्लाई को रिप्रेजेंट कर रहा है जैसे अभी आंवला घाट सप्लाई की बात होती है कि पिथौरागढ़ में इससे वाटर सप्लाई अच्छी हो गई है सपोज इफ दिस इज द रिवर तो ये रिवर से आपके घर तक जो पानी पहुंचता है ये कितने प्रोसेसेस से होके गुजरता है ये हम पढ़ेंगे वाटर सप्लाई ओके फिर मिक्सचर एंड कंपाउंड अब जैसे फॉर एग्जांपल देखिए नमक का केमिकल नेम है सोडियम क्लोराइड तो ये सोडियम सोडियम क्लोराइड क्लोराइड कैसे बना क्या सोडियम का बनना और जेली बीन्स का बनना सेम प्रोसेस है ऑब्वियसली नॉट सपोज करो आप जैसे फॉर एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड सोडियम और क्लोरिन को फिक्स रेशियो में मिलाएंगे तो सोडियम क्लोराइड बनेगा बट अगर मुझे सॉल्ट वाटर बनाना हो तो एक चम्मच अगर मैं सॉल्ट पानी में डालूंगा तब भी सॉल्ट वाटर है दो डालूंगा तब भी सॉल्ट वाटर है तो रेशियो का फ़र्क है तो हम ऐसे ही डिफरेंसेस देखेंगे कि मैं मिक्सचर और कंपाउंड के बीच में फ़र्क क्या होते हैं सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो एंड दैट इज़ ऑल फॉर टुडे इन केस ऑफ क्वेरी जस्ट लेट मी नो थैंक यू